आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। तो चाल यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो दे रहा हम लोग का 57.6 किलोमीटर, 57.6 किलोमीटर। अब किलोमीटर के साथ हम लोग जानते हैं कि समय हमेशा यूज होता है घंटा में, जबकि समय क्या दे रहा है? 48 मिनट। तो मिनट को यहाँ घंटा में बदल लेंगे, यानी समय क्या हो जाएगा हम लोग का? 48/60। क्यों? क्योंकि एक मिनट बराबर होता है 1/60 घंटा। ठीक, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसको हम लोग काटेंगे कैसे? इसको काटने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ेगा हम लोग का, लिखेंगे 57.6 और यहां देंगे इनटू, ये एक साथ का है, ये 48/60 एक साथ है, इसलिए इनटू दे करके इसको हम लोग उलट कर लिखते हैं, यानी 60 ऊपर जाएगा और 48 नीचे आ जाएगा। अब यदि हम लोग का चाल आएगा तो हम लोग किसमें यूज किए हैं दूरी को? किलोमीटर में। समय को घंटा में, यानी ये चाल जो आएगा हम लोग का किसमें आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। जबकि पूछ क्या रहा है कि चाल मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 5/18 से हम लोग गुना करते हैं, तो ये आगे जाएगा हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में। किसमें आ जाएगा ये हम लोग का? हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर खत्म हो जाएगा। हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे आ जाएगा हम लोग का 10, काटेंगे इसको हम लोग, तो 0 से 0 गया, 6 8 6 3 18, 3 से काटेंगे, 3 1 3 2 बचा 3 9 27, 3 2 6 12 6 48, 12 1 12 12 6 72, 4 से काट देंगे, 4 4 16, ऊपर कितना बच गया? 4, यहाँ कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। चाल कितना हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग का अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना दे रहा है दूरी? 364 बाय स्पीड कितना है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्यों? दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय आ जाएगा हम लोग का किस में? घंटा में, क्योंकि किलोमीटर के साथ समय घंटा होता है। भाग देंगे, 4 1 4 4 3 12 4 9 36 4 1 4 13 7 91, 7 घंटा। कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए, 7 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल इनटू समय। रख देंगे हम लोग, कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या दे रहा है? 36 मिनट।
जबकि हम लोग जानते हैं कि यदि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में। तो 36 मिनट को क्या करेंगे, घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब जो भी निकल कर आएगा वो हम लोग का किस में दूरी होगा, किलोमीटर में। क्यों, 4 किलोमीटर समय हम लोग घंटा में बदल लिए तो आ जाएगा दूरी किस में, किलोमीटर में, जो कि ऑप्शन में दे भी रहा है, किलोमीटर में निकालना था। काट लेंगे 12 25 60, 12 36 36, 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का 3 किलोमीटर आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, अविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो अविक 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्या निकालना है, दूरी यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या, टाइम। और किसमें चाहिए दूरी, किलोमीटर में, किसमें चाहिए, किलोमीटर में। और दूरी किलोमीटर के लिए क्या होना चाहिए, यदि दूरी हम लोग को, दूरी यदि किलोमीटर में चाहिए तो चाल हम लोग के पास क्या होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा, और समय किसमें होना चाहिए, घंटा में। यानी कि ये हम लोग के पास होना चाहिए, चाल किलोमीटर में, समय घंटा में। अब चाल यहाँ क्या दे रहा है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। चाल किसमें दे रहा है, 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में। जबकि दूरी किलोमीटर के लिए क्या चाहिए, चाल किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे इसको, हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, ये तो हो गया। अब समय, समय किस में होना चाहिए, घंटा में। समय क्या दे रहा है, 24 मिनट, मिनट में दे रहा है, तो मिनट को घंटा बदल लेंगे 60 से भाग देकर, हो गया। अब कट करके जो भी आएगा हम लोग का क्या होगा, दूरी वो किलोमीटर में आ जाएगा। तो काटते हैं हम लोग, कितना आएगा, 10 बार में 6 से जाएगा, 6 4 24, 18 8 144, 144 में 4 से, तो 4 4 16 के 6 हाथ में 1, 14 4 56 1 57, बटा में कितना, 5 × 10 यानी कि 50। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं 5 से भाग देंगे, 5 × 50, 5 से भाग देंगे, 5 × 5 इसमें देंगे भाग, तो 5 × 5 = 2, 2 × 6 = 26, 50 25, 1 बचेगा, 5 से भाग देंगे 2 दशमलव बचाएंगे, 2 यानी कि आ जाएगा 11 115.2/10। और इसको यदि 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11.52 आ जाएगा। क्यों, ये हम लोग इससे भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 115.2 है, ये 10 हम लोग का पहले से है, इसको यदि खत्म कर दें तो 100 आ जाएगा, और 100 से जैसे ही भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ नहीं आ जाएगा, यानी 11.52 किलोमीटर हम लोग का दूरी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 11.52 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, समान दूरी को, समान दूरी मतलब जो दूरी 8 घंटा में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है, उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितना चाल होगा, यानी किस चाल से 6 घंटे में तय किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो समान दूरी का मतलब है कि दूरी कितना तय किया ये निकालना होगा। तो दूरी कितना तय किया, दूरी बराबर यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। दूरी बराबर क्या होता है हम लोग का, 75 यहाँ है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा,
समय 8 घंटा, कोई बदलाव नहीं करना है क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में समय घंटा और दूरी किलोमीटर, तो समय तो घंटा दे रहा है। अब या तो हम लोग गुना करके लिख ले दूरी, या गुना नहीं भी करेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि समान दूरी यानी इसी दूरी को अब 6 घंटा में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड हम लोग का दूरी कितना आ गया? 75/8, 75/8। टाइम कितना है? 6 घंटा में तय करना है, 6 घंटा में, यानी इसी दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए किस स्पीड से चलना होगा। तो दूरी हो गया, समय हो गया, काटेंगे तो 3 × 6, 3 से इसको काटेंगे, 3 × 6, 3 × 5 = 15, 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, 25 में 4 से गुना करेंगे 100। क्या है? स्पीड है, किसमें? किलोमीटर पर आवर। क्यों? इसलिए कि किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का क्या था? पहले था, और यहाँ आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब दूरी किलोमीटर में यूज किया गया और समय घंटा में। तो दूरी हम लोग का यहाँ किलोमीटर में आया ही था और समय तो घंटा में 6 घंटा दे ही रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर घंटा नहीं होगा, 612 किलोमीटर की यात्रा, क्या है? यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर यानी कि जहां उसको पहुंचना था वहां 9 घंटे में पहुंच जाती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि एस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग का फॉर्मूला होता है। चाल पूछ रहा है यानी कि स्पीड का मान निकालना है। तो डिस्टेंस कितना, दूरी कितना? 612 किलोमीटर, और किलोमीटर के साथ समय घंटा में, तो समय तो घंटा में दे रहा है यानी कोई बदलाव नहीं करना है, सीधे भाग देंगे। हम लोग का आंसर किसमें आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है किलोमीटर प्रति घंटा? क्योंकि ऊपर हम लोग दूरी को किलोमीटर में लिखते हैं और नीचे समय को घंटा में, तो इसी को कहा जाता है किलोमीटर पर, यही बटा है पर आवर। काट देंगे, 9 × 6 = 54, कितना बचा? 6 उधर बचा और 1 ये, 7, 9 × 8 = 72, यानी 68 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? कार की चाल होगी, ऑप्शन नंबर ए, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यानी चाल से 4 घंटा 30 मिनट यानी 4.5 घंटा में तय होता है। कितना लगता है? 4.5 घंटे का समय। 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? यानी मुंबई से पुणे तक की दूरी को ही यदि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले तो कितना समय लगेगा? तो दूरी को ही यानी दूरी है कितना, तो दूरी कितना बोल रहा है कि मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर की स्पीड से समय लगता है 4.5 घंटा। तो हम लोग दूरी निकाल लेंगे क्योंकि दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मुंबई से पुणे के बीच की दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। ये क्या है? मुंबई से पुणे तक के बीच की दूरी, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, समय 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा, यानी लिख सकते हैं 4 × 1/2। इसको और तोड़ेंगे हम लोग तो 4 × 8 = 9/2 घंटा, समय कितना हो गया? 9/2 घंटा। ये किलोमीटर में, ये घंटा में, तो डिस्टेंस हम लोग का किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। तो काट देंगे, 30 × 60, 9 × 3 = 27, 270 किलोमीटर। मुंबई से पुणे के बीच की दूरी कितनी? 270 किलोमीटर। इस दूरी को 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है हम लोग का? समय t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड यानी दूरी बटा चाल। कितना है दूरी?
दूरी कितना है 270 किलोमीटर, और चाल किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। चाल किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। निकालना है किस में, घंटा में। तुम लोग जानते हैं कि यदि समय घंटा में है, यानी टी समय घंटा में हो, तो दूरी किस में होना चाहिए, दूरी किलोमीटर में। निकालना हम लोग को ये है, घंटा समय निकालना है। समय जब घंटा में निकालना है तो दूरी किलोमीटर में और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। तो दूरी तो हम लोग का किलोमीटर में है, लेकिन ये चाल किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब क्या हो गया, सबसे पहले तो इसको हम लोग काटेंगे, 5 3 15, 3 9 27, 90, 18 5 90, कितना आ गया, 5। 5 किस में, घंटा में। समय किस में आ गया, घंटा में आ गया। तो कितना समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे का समय लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इसी दूरी को इस दी गई चाल में जूली 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, यानी जो चाल है 18 सेकेंड में 140 मीटर प्रति सेकेंड, 140 मीटर 18 सेकेंड में 140 मीटर, चाल दिया नहीं है, चाल निकालेंगे, और जो चाल आएगा, बोल रहा इस दी गई चाल में जूली 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। तो दी गई चाल, तो सबसे पहले चाल दिया कितना ये निकालेंगे, तो स्पीड कितना दिया, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल दिया कितना, तो दूरी 140, समय कितना 18 सेकेंड, कितना आ गया 18 सेकेंड। इसमें निकालना है किलोमीटर में दूरी निकालना है, तो दूरी किलोमीटर में निकालने के लिए निकालना हम लोग को दूरी किसमें, किलोमीटर में। तो दूरी किलोमीटर में निकालने के लिए समय हम लोग का घंटा में और चाल हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, जबकि चाल यहाँ क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड में आया। क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो आया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 18/5 से गुना करके। तो 18 से 18 गया, 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 8 40, कितना आ जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का हो गया स्पीड, लेकिन बोल रहा इस दी गई चाल से जूली 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। अब दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना आया, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 1 घंटा, तो कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर। दूरी कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 28 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, यानी कितने सेकंड का समय लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले लड़का दौड़ कह रहा है, 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, समय निकालना है, और समय निकालने के लिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या, चाल, दूरी बटा चाल। तो समय निकालने के लिए चाल तो है हम लोग के पास, लेकिन दूरी कहाँ है, क्योंकि बोल रहा है कि दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले, तो सबसे पहले कितना दूरी तय किया ये निकालेंगे। तो दूरी किस पर तय कर रहा है, एक वर्गाकार मैदान है, और वर्गाकार मैदान का मतलब, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, तब ना, वर्ग से वर्गाकार,
तो वर्ग का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। उसी को क्या बोलाता है, वर्ग बोला जाता है। यानी कि मान लीजिए कि एक लड़का यदि यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है इस तरफ, तो दौड़ते हुए यहां आएगा, फिर यहां से दौड़ते हुए इस दिशा में जाएगा, और फिर यहां से दौड़ते हुए इधर आएगा, और ऐसे दौड़ते दौड़ते क्या करेगा, जहां से वो दौड़ा था वहां पहुंच जाएगा। तो ये तो हुआ उसका रनिंग। लेकिन कैसे कैसे बोल रहा है कि यदि ये भुजा कितना है, 38 मीटर भुजा वाला वर्ग, यानी वर्गाकार जो आकृति मैदान है वो कैसा है, 38 मीटर भुजा वाला वर्ग है। यानी कि जब दौड़ेगा पूरे चारों साइड से, तो 38 मीटर दौड़ा, फिर इधर से 38 मीटर दौड़ेगा, फिर 38 मीटर और फिर 38 मीटर, टोटल कितना मीटर दूरी तय किया, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, दौड़ रहा है साइड से चारों ओर, मैदान के चारों ओर दौड़ रहा है, यानी साइड साइड से दौड़ रहा है, तो टोटल कितना दूरी तय किया, 4 × 38 मीटर। यानी चार भुजा तय किया तो चार, एक भुजा में कितना दूरी, 38 मीटर का दूरी, तो टोटल कितना दूरी हो गया, 4 × 38 मीटर। या ऐसा न करके सीधे हम लोग लगा सकते थे कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा। लेकिन चूंकि हम लोग क्या किए, यहाँ क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, क्षेत्रमिति का कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, या हो सकता है आप जानते हो तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या किए हैं, हमने इसको नहीं पढ़ाया, तो नहीं पढ़ाया तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बेसिक से ही चलेंगे। यानी कि एक वर्ग का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, यहां से लड़का दौड़ना स्टार्ट करेगा और दौड़ते दौड़ते यदि यहां आएगा, तो चार भुजा को पार करता हुआ आएगा, तो टोटल दूरी 4 × 38 मीटर हो जाएगा। तो दूरी कितना हो गया उसका, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 4 × 38 मीटर, क्या हो गया, मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। अब समय किसमें निकालना है, सेकेंड में, तो हम लोग जानते हैं कि समय यदि सेकेंड में निकालना है, समय सेकेंड में निकालना है, तो हम लोग का स्पीड किसमें होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में, और डिस्टेंस यानी दूरी किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो दूरी तो हम लोग का मीटर में आ गया है, लेकिन चाल किसमें दे रहा है, चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल किसमें दे रहा है, किलोमीटर प्रति आवर में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना कर दिए किस में, चाल में, तो चाल में 5/18 से गुना कर दिए, अब जो भी आएगा हम लोग का आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 × 38/6 को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, तो यहां से हटाएंगे इंटू देंगे, 18 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, कट कर देंगे, जो आएगा फाइनल हम लोग का आंसर, तो 6 × 3 = 18, 4 × 3 से गुना करेंगे, 4 × 3 = 12, और 12 × 38 से गुना करेंगे, तो 12 × 98 = 6 / 9, 12 × 3 = 36, 9 × 6 = 45 हो जाएगा, यहाँ बटा में 5, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, क्या आ जाएगा हम लोग का, सेकेंड में आंसर हो जाएगा, कितना समय, 91.2 सेकंड का समय लगेगा।